अभी 13 महीने हुए हैं मेरी सरकार। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राज करता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच पहुंच रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे पास नहीं है, अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है आप निमंत्रण दीजिए, हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे, लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप हट जाइए, हम ये 5 मिनट में नहीं 1 मिनट में विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं? यह जनादेश से बनी है। अगर किसी को जनादेश था तो वो हमको था, आपको तो नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। There should not be any running commentary, please. What is this? No, no running Tumhara commentary. Our national agenda is. No running commentary, please. कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई, पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है पोखरण 2। कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था।
लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है। कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके, लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ, इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। आलोचना तो अग्नि दो की भी हुई है, और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने, हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि टू का परीक्षण रोक दिया गया है। और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था। विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के
अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे।